समय किसानों और सरकार के बीच काफ़ी जंग की स्थिति बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा के किसान 3 अहम कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध में अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का नाम भी जुड़ गया है। ये सितारे भी अब किसानों का समर्थन करते हुए भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। इन सितारों में पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ का भी नाम शामिल है। दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दिलजीत अक्सर देश दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अब हाल ही में उन्होंने कृषि बिल के खिलाफ किसानों का समर्थन किया है। दिलजीत दोसांझ ही नहीं बल्कि उनके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी इस बिल के खिलाफ किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की है। दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 25 सितंबर हम सभी किसान समुदाय के साथ खड़े हैं। पंजाब के सभी आयु वर्ग का हर व्यक्ति किसानों के साथ खड़ा है। लोग पास हुए बिल को सही कह रहे हैं, कम से कम किसानों से बात करने की कोशिश करें। जम्मू एवं कश्मीर में सरकारी भाषाओं से पंजाबी भाषा को हटा दिया गया है, ये लोगों के साथ क्या हो रहा है। दिलजीत दोसांझ के अलावा गायक एमी विर्क, गुरनाम भुल्लर, निशा बानो समेत कई और सितारों ने भी किसानों के साथ अपनी आवाज बुलंद की है। इन सभी ने जो पोस्ट साझा की है उसमें पंजाबी भाषा में लिखा गया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में गुरुवार को 3 किसान बिल पारित हुए हैं, जिसके बाद से किसान इन तीनों बिलों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल से जो गरीब किसान है केवल उनका नुकसान होगा। जो 3 कृषि अहम बिल पास किए गए हैं उनमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स बिल 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइसेस प्रोशरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड एसेंशियल कॉमोडिटीज बिल 2020 हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए थे। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।